एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए रोड सेफ्टी एजुकेशन पार्ट 4 आपके सामने प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ, जिसका बिंदु है एलिजिबिलिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए क्या है आज का बिंदु, एलिजिबिलिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि अपन गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ियां चलाने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत नेसेसरी होता है। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस अगर हमारे पास नहीं है तो हमें गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को गाड़ी चलाने से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवाना चाहिए। अब इसके अंदर ये बताया है कि एक्चुअल में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं इसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशंस, क्या हमारी योग्यताएं होना आवश्यक है, ये बिंदु भी आपके आ सकता है। देखिए रोड सेफ्टी एजुकेशन के अंदर 6 नंबर का बिंदु आता है, लेकिन इसमें बिंदु बहुत सारे हैं। ये आज का जो बिंदु अपना है 5वां नंबर का बिंदु है। सबसे पहले मैंने आपको कार पूलिंग के बारे में बताया है, इसके बाद ड्रंकन ड्राइविंग, तीसरा बिंदु था एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, चौथा बिंदु मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट्स। अब आज के वीडियो में मैं आपको 2 बिंदु बताने जा रहा हूं। पहला बिंदु है हमारा एलिजिबिलिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, 5वां नंबर का बिंदु है पार्ट 4 में। और अगला जो बिंदु होगा वो होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, या जब एक व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है तो इश्यू करने के बाद उस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये क्या होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। तो कोई सा भी बिंदु आ सकता है, अथवा में आता है, इसलिए हमको ज्यादा बिंदु तैयार नहीं करने, केवल 6-7 बिंदु में हमारा काम हो सकता है। देखिए सबसे पहले जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लर्नर लाइसेंस और दूसरा होता है परमानेंट लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस होता है जब व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है तो पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, और लर्निंग लाइसेंस की अवधि पूरी होने के बाद फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए हमको अप्लाई करना होता है। तो इनके लिए एबिलिटी क्या है, यानी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। देखिए फॉर ए लर्नर लाइसेंस, सबसे पहले एज एबिलिटी, उम्र की कितनी उम्र होना आवश्यक है। देखिए एज एबिलिटी में होता है 18th ईयर, 18 वर्ष, फॉर व्हीकल अप टू 50 cc इंजन, 50 cc इंजन का जो वाहन होता है उसके लिए 18 वर्ष जरूरी। कैपेसिटी एंड विदाउट गियर, और जो बिना गियर की जो गाड़ी होती है उसके लिए 16 वर्ष चाहिए। अगर आपका गियर वाली गाड़ी है, 50 cc का इंजन है तो 18 वर्ष, और बिना गियर है तो 16 वर्ष, ले दोनों के लिए ही प्रोवाइडेड पेरेंट्स गार्जियंस कंसेंट, इन पेरेंट्स माता पिता अथवा गार्जियंस की अनुमति आवश्यक। कॉमर्शियल व्हीकल में जो एज होती है वो हमको चाहिए 20 इयर्स, ये आपको याद करना है। नंबर 2 दूसरी योग्यता है कन्वर्सेंट विद ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कन्वर्सेंट, ये जो यातायात के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नियम और प्रावधान, उनके प्रति हमें क्या है सजग रहना होगा, तब जाके हमको लर्नर लाइसेंस इश्यू होता है। नेक्स्ट, जब लर्नर लाइसेंस इश्यू हो जाता है इसके बाद हमको परमानेंट लाइसेंस बनवाना होता है। ऐसे नहीं बनता, हमको खुद को उसे अप्लाई करना होगा। इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी, सबसे पहला कि यू शुड हैव ए वैलिड लर्नर लाइसेंस। तो सबसे पहले हमारे पास
एक वैलिड लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। तो लर्निंग लाइसेंस के बाद ही हम परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, यू शुड अप्लाई आफ्टर 30 डेज एंड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ लर्नर लाइसेंस। जब हमें लर्निंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है तो उस इश्यू करने की 30 दिन की अवधि के बाद और 100 दिन की अवधि के पहले पहले हमें इसके लिए आवेदन करना होगा। ये 1 महीने बाद हम लगा सकते हैं और अधिकतम 180 दिन या 6 महीने की अवधि तक हम परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर, यू शुड बी कन्वर्सेंट अबाउट द व्हीकल सिस्टम। हमें वाहन की जो सिस्टम है, प्रणाली, उसके प्रति भी हमें जागरूक होना होगा, समझदार बनना पड़ेगा। जैसे ड्राइविंग के प्रति ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, यातायात के रूल्स और रेगुलेशंस के लिए। तो ये दोनों बिंदु आपके लिए दिया हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले या इसको लिख लेना, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो आप ध्यान करें, ये बिंदु आपको याद करना है। अब जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर दिया गया तो उसके जस्ट उसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट बिंदु आता है और वो हमारा है रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर, यानी हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू कर दिया जाए। इस पर एक स्पीच आपके परीक्षा में आ सकती है। तो अब इसके बाद अगला बिंदु हमारा आता है, देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। तो इसको भी आपको तैयार करना है। अगली बिंदु लिखेंगे जो मैं लिख रहा हूं वो है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। ये विशेष बिंदु है, इसे हम एक स्पीच के रूप में बताएं कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के बता रहा हूं क्या है, ये आपको याद करना है और लिखना है। तो डियर फ्रेंड्स, जब परीक्षा में आता है तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले स्पीच होती है, स्पीच को लिखा जाता है डियर फ्रेंड्स कॉमा, डियर फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर इश्यूड ए ड्राइविंग लाइसेंस। तो इफ यू आर इश्यूड ए ड्राइविंग लाइसेंस, जब हमें ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस पर मैं स्पीच देने चाहूं। तो देखिए आप क्या स्पीच दी जा रही है, इन सच कंडीशन, देखिए इन सच कंडीशन, इन सच कंडीशन यू मस्ट कंटिन्यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी, टू डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना प्रदर्शित करना
टू ड्राइव सेफली ऑन द रोड, टू ड्राइव सेफली ऑन द रोड, यानी हमारे अंदर ये सिद्ध करना है, ये प्रदर्शित करना है कि वास्तव में हम सड़क पर सुरक्षित गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, ये हमारी योग्यता को, हमारी एबिलिटी को शो करना है। नेक्स्ट अगला बिंदु आता है, अगला आगे हमें क्या करना है, यू विल हैव टू ओवे, यू विल हैव टू ओवे, तो यू विल हैव टू ओवे द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स एंड रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर ड्राइवर्स, रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर ड्राइवर्स, अन्य दूसरे ड्राइवर्स के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, हमें दूसरे ड्राइवर के अधिकारों का भी सम्मान हमें करना होगा। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग, कंसंट्रेट ऑन योर ड्राइविंग, यानी हमें केवल अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ अदर व्हीकल्स अराउंड यू, अराउंड यू। आगे दिए, यू शुड आल्सो ट्राई टू नो the real place for parking your vehicle। ये सब बातों का ध्यान रखना होता है। you need to have an automobile insurance, an automobile insurance क्या चाहिए, हमें गाड़ी का इंश्योरेंस भी जरूरी है। that covers any potential 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 damage de damage or injuries, damages or injuries, thanks। ये इस प्रकार से क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर पर एक स्पीच है, स्पीच को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें हम और भी सुधार कर सकते हैं। देखिए कि राइटर यहां पर हमसे कह रहा है कि यू
लेकिन क्या हम वास्तव में परीक्षा में यू लिखेंगे, इस बात में आपको सुधार करना है। मैंने आपको टॉपिक बताया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं भी आप स्टूडेंट से सेकेंड पर्सन की लैंग्वेज में बात करूंगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यहां पर मैंने यू शब्द का यूज किया है, लेकिन एक्चुअली क्या वास्तव में आप भी एग्जाम में यू शब्द यूज करोगे? नहीं। आपको इसमें क्या है, यू के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज आई या वी। तो अक्सर क्या होता है, हम वी शब्द का यूज करेंगे, तो हमने जहां पर भी इसमें सुधार करना है। अभी तो ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में जब लिखोगे तो इसमें सुधार करना है कि जैसे दिया टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी इफ वी आर इश्यूड ए ड्राइविंग लाइसेंस। यदि हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है तो हमें क्या क्या जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। तो जहां पर भी यू आ रहा है इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे, क्या बोलने वाला ए कहते आई कह रहा है, यू वी आर इसमें खुद भी शामिल है, इसलिए वी यूज करना है। तो वी आर इश्यूड ए ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहां पर ये सेकंड यू दे रखा है, शब्द वी लिख रहा है आपको। योवर के स्थान पर हमें क्या, तो योवर के स्थान पर हमें क्या करना है, आवर। आगे देखिए, यहां पर भी जहां भी यू दे रखा है उसके स्थान पर हमको वी करना होगा और योवर के स्थान पर हमें आवर करना होगा। यू शुड, तो यहां पर भी वी शुड करना है। यू शुड कंसंट्रेट ऑन योवर ड्राइविंग, तो ऑन योवर के स्थान पर यहां पर हो जाएगा आवर। यू शुड बी, तो ये यू बी वी, वी शुड बी वेल अवेयर of other vehicles around us, ये यहां पर है us आएगा। फिर we should, जहां भी था we should also try to know the real place for parking our vehicle। फिर इसका we need to have an automobile insurance that covers एनी पोटेंशियल डैमेज और इंजरीज हैं। तो अब यहां पर देखेंगे कि हमने वी यू योवर यू इसके स्थान पर वी आवर अस किया है। तो अब पहले हमने, मैंने आपको बताया था कि वी यानी यू, तो मैंने आपसे कहा था यू, अब आप अपने खुद के लिए कहोगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो अब आप इसमें यू के स्थान पर वी कर लेंगे, योवर के स्थान पर आवर कर लिया, और जहां पर यू के यू का ऑब्जेक्ट भी रहता है वहां पर हम अस करेंगे। तो इसका अर्थ होता है टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आज उस जिम्मेदारी पर स्पीच देने जा रहा हूं। इफ वी आर इश्यूड ए ड्राइविंग लाइसेंस, यदि हमें ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। इन सच कंडीशन We must continue to demonstrate our ability. हमें हमारी ability को demonstrate करना चाहिए to drive safely on the road, ताकि हम गाड़ी को road पर सुरक्षित चला सकें। We will have क्या क्या चाहिए, पहली ability कि क्या हम वास्तव में गाड़ी road पर सही चला पा रहे हैं। दूसरा traffic rules का पालन करना, दूसरे drivers के अधिकारों का सम्मान करना। सेकेंड थिंग से तीसरी बात है, हमें हमारा ध्यान ड्राइविंग पर रखना होगा। वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ अदर व्हीकल, हमें हमारे आसपास अन्य वाहन चलते हैं उनके प्रति हमें सजगता रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फिर गाड़ी को खड़ी करने के लिए उचित जगह कहां पर हम पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। एक लास्ट में कि हमें गाड़ी का ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी रखना होगा। ये चार पांच बातें हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर में आता है। पहला तो अपनी एबिलिटी को शो करना कि हम गाड़ी रोड पर चला सकते हैं, दूसरे ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, अन्य ड्राइवर्स
के अधिकारों का सम्मान करना, तीसरे नंबर पर आता है दूसरे वाहनों का ध्यान रखना, चौथा पार्किंग की सही जगह तलाश करना, और पांचवा नंबर बिंदु आता है एक ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस रखना। ये पांच बातें जिसे जिम्मेदारी की होती है जो आपको मैंने बताई, कोई सा बिंदु परीक्षा में आ सकता है, इसलिए हमें सभी बिंदु पढ़ने होंगे, याद करने होंगे। इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस स्पीच को आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियोज का लाभ मिल सके। थैंक्स, धन्यवाद।